الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. इस्लामी दीनी भाइयों और मोहतरम असातिज़ा इकराम, जिक्र चल रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हज के तमाम मनासिक में और हज के तमाम अफआल में और तौर तरीकों में किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी की है, हर मुमकिन कोशिश की सहाबा ने कि जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के आमाल कर रहे हैं उसी तरीके से हम भी करें। लेकिन अगर किसी मौके से किसी से थोड़ी सी जर्रा बराबर लफ्ज़िश हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अगर कोई शख्स हट गया तो इसकी मिसालें भी मिलती हैं कि फौरन उस शख्स को तंबीह की गई कि ये चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुखालिफ है। इंशाअल्लाह आज के खुतबे में भी इसी ताल्लुक से आपसे गुफ्तगू होगी। आखिरी बात जो आपके सामने रखी गई थी वो ये थी कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर असवद को खिताब करते हुए कहा था कि मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ना नफा का मालिक है ना नुकसान का मालिक है, लेकिन मैं तुझे बोसा इसलिए देता हूं क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया है। मैं इसका पाबंद हूं, जो काम मेरे नबी ने किया है मैं उसको करूं। उन्हीं की जिंदगी का एक हादसा, एक वाकया और मुहद्दिसीन ने, उलमाए किराम ने जिक्र किया है। मुसलमान मक्का के फतेह होने से पहले उम्रा करने के लिए मक्का में दाखिल होते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको ये वसीयत थी और ये नसीहत थी कि वो तवाफ के शुरू के जो 3 चक्कर हैं उनमें रमल करेंगे और साथ ही साथ इस्तिवा करेंगे। ये तवाफ की 2 सुन्नतें हैं। रमल का मतलब क्या होता है? रमल का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कदमों के साथ जरा तेजी से चलना होता है तवाफ करने वाले को, और उसके दोनों कंधे हिलते हैं इस मौके से। और दूसरी सुन्नत है इस्तिबा, तवाफ करने वाला चादर का पल्लू दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर बाएं पर डाल लेता है, दाहिना कंधा खुला रहता है, इसको इस्तिबा कहते हैं। ये तवाफ की सुन्नतों में इन दोनों चीजों का शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल का हुक्म सहाबा को क्यों था कि रमल करेंगे, थोड़ा सा तेजी से चल के दिखाएंगे, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए, ताकत का मुजाहरा करने के लिए। और उसकी वजह यह थी कि चूंकि मुशरिकीन की जानिब से ये इल्जाम था, ये तोहमत थी या उनका ख्याल था कि जब से लोग हिजरत करके मदीने गए हैं, वहां जाने के बाद मदीने के बुखार ने मुसलमानों को कमजोर कर दिया है, अब उनके अंदर हिम्मत, ताकत, कुव्वत, लड़ने की सलाहियत जो मक्का में रहते हुए थी वो अब मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तो फरमाया था कि मक्का जाए और तवाफ करें तो उनको ऐसा करना होगा, मुशरिकीन के सामने अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए। बहरहाल लेकिन मक्का जब फतेह हो गया और वहां पर कोई गैर मुस्लिम बाकी नहीं रहा, सारे लोग मुसलमान हो गए, तो अब ये रमल किया जाए या न किया जाए, कुव्वत का मुजाहरा किया जाए या न किया जाए, इस ताल्लुक से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पसो पेश में थे, कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत का हुक्म फरमाया था। वो सबब और वो इल्लत इस वक्त खत्म हो गई है, वो मौजूद नहीं है। लिहाजा हजरत उमर के अल्फाज जो नकल किए गए हैं हदीस की किताबों में वो ये है, कान यकूल फमा लना वलिर्रमल, कि हम ये रमल क्यों कर रहे हैं। और दूसरी रिवायत अबू दाऊद की, उसमें इस तरह के अल्फाज है, फीम रमल वल कश्फ अनिल मनाकिब, कि अब हम रमल क्यों करते हैं और कंधे को खुला हुआ क्यों रखते हैं। इसकी जो इल्लत थी, इसका जो सबब था वो खत्म हो चुका है, क्यों करते हैं। और उसके आगे कहते हैं कि इन्नमा कुन्ना राअयना बिही अल मुशरिकीन वक़द अहलकहुमुल्लाह, हमने अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहरा कर लिया है, दिखा दिया मुशरिकीन को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशरिकीन को हलाक और बर्बाद भी कर दिया है, अब वहां कोई मुशरिक नहीं है। सुम्मा काला, उसके बाद हजरत उमर ने कहा, उनको याद था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में आए थे और उस मौके से भी वहां मुशरिकीन मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत को किया है, इस अमल को किया है। कहते हैं सुम्मा क़ाला शैअन सनअहु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे इसकी वजह खत्म हो गई लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया है। फला नुहिब्बु अन नतरुकहु, लिहाजा हम ये नहीं चाहते हैं कि इस अमल को छोड़ दिया जाए। सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को, चाहे उसका सबब खत्म हो गया हो, उसकी इल्लत खत्म हो गई, उसकी हिकमत हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन किस लिए करते थे, इसलिए करते थे कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को किया है। आज हमारे दिल के अंदर भी यही जज्बा होना चाहिए, यही हौसला होना चाहिए, यही अपनी जबान और अपने कौल, अपने फेल से हमें साबित करके दिखाना चाहिए कि हमें भी अपनी जिंदगी में, चाहे वो हज हो, चाहे वो उमरा हो, चाहे वो नमाज हो, ज़कात हो, रोजा हो, जिंदगी का कोई भी अमल हो, हमें वैसे ही करना है जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इबादत को, उस अमल को अंजाम दी है। आइए, मेरे सामने एक और हादसा है, एक और वाकया है। मशहूर सहाबी है और इनका जिक्र इससे पहले भी आ चुका है कि किस तरीके से इन्होंने हज के आमाल में बल्कि खासतौर से हज के तलबिये के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का ऐलान फरमाया था। उन्हीं का एक किस्सा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन में इनका शुमार होता है। बेशुमार फजाइल और मनाफिब इस हस्ती के हैं। आइए देखते हैं इनका हादसा है। काला मरवान इब्न हकम शहीद उस्मान व अलीन व उस्मान यनहा अनिल मुतअते। मरवान इब्न हकम रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं या बाज़ उलमा के बकौल जलील क़द्र ताबईन में इनका शुमार होता है। कहते मरवान इब्न हकम मैं हाजिर हुआ कहा उस्मान और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे और हजरत अली उनके कह लीजिए इमारत में हज अदा करने के लिए निकले हुए थे। जिम्मेदार कौन थे? मुसलमानों के खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। और बाद रिवायात में सराहत है यह हादसा, ये वाकया मक्का और मदीना के दरमियान का है। और इसके बाद एक रिवायत आ रही है मक्का से 128 किलोमीटर फासले पर एक जगह है मदीने के रास्ते में उस्मान, वहां का यह हादसा ये वाकया है। कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ, दोनों लोग मौजूद थे। हुआ क्या? वह उस्मान यनहा अनिल मुतअते, उस्मान रजी अल्लाह तआला ने हज्जे मुता से लोगों को मना कर रहे थे। बाद सहाबा जिनमें हजरत उमर का नाम भी आता है और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी आता है, अबू ज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी आता है, और भी बाद सहाबा है जो जिनका इज्तिहाद हम ये कहें ये था कि हज के अय्याम में उमरा न किया जाए तो ये बेहतर है। और उसकी वजह यह थी कि ताकि लोग हज करने के बाद वापस चले जाएं और कुछ मुद्दत के बाद उमरा करने के लिए खाने काबा की जियारत करने के लिए लोग हाजिर होते रहें। लेकिन लोग समझते थे कि हज और उमरा दोनों एक साथ कर लिया जाए तो ये आसान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को इसका हुक्म भी फरमाया था कि ऐसा कर लिया जाए। तो हज की जो तीन किस्में हैं तीनों जायज और दुरुस्त है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन बाद सहाबा खुसूसियत के साथ उमर, उस्मान, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये समझते थे कि नहीं, हज के महीने में सिर्फ हज किया जाए और फिर उसके बाद खाने काबा की जियारत करने के लिए उमरा करने के लिए वापस आया जाए। तो हजरत उस्मान का नुक्ता नजर भी यही था। लोगों को मना फरमा रहे थे कि तुम लोग इस वक्त उमरा ना करो, हज तमत्तो की नियत ना करो। और क्या आई मुजमा बैनहुमा, हज तमत्तो पहले उमरा किया जाए उसके बाद हज का इहराम बांधा जाए, यह हज तमत्तो। हज किरान से भी मना फरमा रहे थे कि हज और उमरा दोनों की नियत एक साथ की जाए, इससे भी हजरत उस्मान लोगों को मना फरमा रहे थे। फलम्मा रहा अली, जब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हजरत उस्मान ऐसा कर रहे हैं, क्या किया? अहल्ला बिहिमा, बाद रिवायत में है अहल्ला बिहिमा जमीन। तो हज और उमरा दोनों का तलबिया एक साथ पुकारा। हजरत उस्मान जिस चीज से मना कर रहे हैं उसके मुखालिफ किया, कहा कि नहीं, मैं हज और उमरा दोनों एक साथ करूंगा। वो क्या कहा? लब्बैक बिउमरतिन व हज्जतिन मान, हज और उमरा दोनों का तलबिया मैं एक साथ पुकारता हूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीर है उस काफिले के। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो नहीं करूंगा, बल्कि हज और उमरे की नियत दोनों एक साथ करूंगा, दोनों का तलबिया एक साथ पुकारूंगा। और उसके बाद कहा, काला मा कुंतु लिहाजा सुन्नति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौल अहद, मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को किसी के कौल की वजह से नहीं छोड़ सकता हूं। हज और उमरा दोनों एक साथ किया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, लिहाजा मैं किसी के कहने की वजह से, चाहे वो मेरा अमीर ही क्यों ना हो, मेरा हाकिम ही क्यों ना हो, मैं उसकी बात नहीं मान सकता हूं। और दूसरी बुखारी की रिवायत, उसके अल्फाज सईद इब्न मुसय्यब ने यह नकल किए हैं, कहते इख्तलफा अली व उस्मान वहुमा बिउस्मान, अली और उस्मान के दरमियान इख्तिलाफ हुआ और ये दोनों लोग उस्मान बस्ती में मौजूद थे। किसके सिलसिले में? हज तमत्तु के सिलसिले में। फकाल अली मा तुरीदु इल्ला अन तनहा अन अमरिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि मैं आपको देख रहा हूं कि आप लोगों को ऐसे काम से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया है, जिसे अल्लाह के रसूल ने किया है। करने का मतलब यह कि अल्लाह के रसूल ने बाद सहाबा को उसका हुक्म फरमाया था, आपकी मौजूदगी में हज तमत्तो किया गया है, तो आप ऐसे काम से, ऐसे अमल से लोगों को मना क्यों करते हैं, क्यों रोकते हैं। लिहाजा हजरत उस्मान की बात, हजरत अली की ये बात सुनने के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धीमे पड़ गए और उन्होंने कहा तरानी अनहा अन्नास अन्हु व अंत तफअलु, कि अली क्या तुम ये समझते हो कि वो काम जिसे तुम सुन्नते रसूल समझ कर कर रहे हो, मैं उससे लोगों को रोक सकता हूं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मौक़िफ़ से रुजू फरमा लिया कि मैं किसी को नहीं रोकूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ये सुन्नत है। तो इस हादसे के जिक्र करने के बाद उलमा ने कुछ तफ्सरा किया है, लिखा है इस हादसे से क्या क्या बातें मालूम होती हैं। पहली बात, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कौल और अपने फेल दोनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजाहत फरमाई। ये मुसलमान की जिम्मेदारी है, ईमान का तकाजा है। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने के दावेदार हैं तो हमें अपने कौल से, अपने फेल से सुन्नत को साबित करना होगा, जैसा कि हजरत अली ने किया है। और आगे लिखा है कि इस हादसे से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिल्म और उनकी बुर्दवारी मालूम होती है। हजरत अली ने मुखालफत की और खलीफा कौन थे? खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने हजरत अली पर लानत मलामत नहीं की और उनको सख्त सुस्त नहीं कहा या अपनी इमारत का रोब उनके ऊपर डालने की कोशिश नहीं की, जैसा कि आजकल होता है। कोई बड़े अहदे और मनसब पर फाइज होता है, कितनी ही बड़ी गलती उसकी क्यों ना हो रही हो, अगर कोई अगर उसकी इस्लाह करने की कोशिश करे तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। ये समझता है कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं हाकिम हूं, मैं किसी की बात कैसे मान सकता हूं। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा नहीं किया। ये बात समझ में आती है कि कितने हलीम और बुर्दवार इंसान थे। और तीसरी बात, सहाबा अगर कहीं सुन्नत रसूल की जर्रा बराबर भी मुखालफत हो रही हो, खामोशी इख्तियार नहीं करते थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाकिम है और हजरत अली महकूम है, उनकी इमारत में हज अदा करने जा रहे हैं, लेकिन हजरत अली ने खामोशी इख्तियार नहीं कि चलो जो कुछ कह रहे हैं कहने दो। हजरत उस्मान को कहा नहीं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ये बात खिलाफ है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से ये तरीका साबित है और मैं ऐसा ही करूंगा। और इससे क्या बात मालूम होती है कि आपका जो जिम्मेदार है, आपका जो इमाम है, आपका जो आलिम है, आपका जो फकीर है, या आप जिसके ताल्लुक से अकीदत मोहब्बत रखते हैं उसकी वही बात मानी जाएगी जो कुरान हदीस के मुताबिक हो, कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो। लेकिन आजकल लोग कह देते हैं कि इतने बड़े आलिम थे, उनकी मुखालिफत हम कैसे कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, नेकी और भलाई के कामों में ही आप जिम्मेदार की हाकिम की इताअत करेंगे, उसकी बात मानेंगे, और जहां कहीं अगर मुखालिफत हो रही है उसकी जानिब से तो उसमें आप उसकी बात के मानने के पाबंद नहीं है। यह तबसरा किया है उलमाए किराम इस हादसे से मुतालिक। और आइए सरसरी तौर से एक हादसा, एक वाकया और मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। यह सिर्फ मसला मर्दों ही का नहीं था, इस उम्मत की माएं, इस उम्मत की खवातीन और खास तौर से मुहद्दिसे इस्लाम, फकीह इस्लाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आइए वो भी सुन्नत की पासदारी रखती थी और सुन्नत के खिलाफ अगर कोई काम होता हुआ देखती थी भी फौरन टोकती थी। जिक्र किया है इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने, कहते हैं लम्मा नहा मुआविया तो अनिल मुताते, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ये भी हज के अमीर थे और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी इमारत में हज अदा करने जा रही थी, लेकिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी हज तमत्तो से मना किया लोगों को। तो क्या हुआ, आमरत आयशा तो हाशमहा व मवालिहा अयहिल्लू बिहा, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने खुद्दाम को, अपने मुताल्लिक़ीन को, अपने गुलामों को यह हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया, कहा अयहिल्लू बिहा, हज्जे तमत्तो ही का तलबिया पुकारे और इसी का ऐलान करे। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ कहा कि इसी तरीके हज का तलबिया तुम सारे लोग पुकारो। फकाला मुआविया तो मन हाउलाई, लिहाजा मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तशवीश हुई कि मेरी मुखालफत करने वाले ये कौन लोग हैं, इनका ताल्लुक किससे है। फकीला हशमो और मवाली आयशा, ये बतलाया गया कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ये गुलाम है और इनके ये खुद्दाम है। فارسل إليها وقال ما حملك على ذلك, लिहाजा मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलवाया, किसी को भेजकर बुलवाया और उसके बाद उनसे बासपुर्स की, उनसे सवाल किया। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बासपुर्स की, कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है, मैं एक चीज लोगों को बतला रहा हूं लेकिन आप मेरी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी। आइए जवाब सुनिए। क़ालत अहबब्तु अन युअलम अन्न अल्लज़ी क़ुल्ता लैसा कमा क़ुल्ता, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि मैंने ये चाहा कि सारे लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि जो बात आप कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है जैसी आप कह रहे हैं, यानी आप लोगों को हज तमत्तो से मना कर रहे हैं, आपका मना करना ये दुरुस्त और ठीक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हज तमत्तो आपके हुक्म से साबित है, आपको ये इख्तियार नहीं है किसी को इस तरीके से मना करे। तो आप तसव्वुर कीजिए कि मर्द ही नहीं ख्वातीन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने में और आपके हज के आमाल को अपने ऊपर नाफिज करने में, और अगर कोई उसकी मुखालफत करता है तो उसको तंबीह करने में खवातीन भी सुन्नत के पीछे नहीं रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है मर्द और हजरात से भी, और खवातीन अगर से मौजूद नहीं है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हम अपनी जिंदगी के तमाम आमाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने की कोशिश करें, अपने ईमान के तकाजों को पूरा करने की कोशिश करें। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, अल्लाह के रसूल की किसी सुन्नत को हकीर समझकर या अपने ईमान की बात को आगे रखकर अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ठुकरा दिया तो इसका अंजाम, इसका नतीजा इंतहाई हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों को जिंदा करने की, आपके हर तरीके हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।